गुड इवनिंग सभी को। कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। आज हिस्ट्री की क्लास नहीं है सर, हिस्ट्री की क्लास थी अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा डिले हो गई थी क्लास, 10-15 मिनट कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो क्लास है अभी, आप देख सकते हो उसे बैक, जब जो वीडियोज़ हमारी उसमें आप जाके देख सकते हो, क्लास है अभी भी। ठीक है, तो अभी एक बार कंप्यूटर की क्लास देख लेते हैं। वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार जी, गुड इवनिंग, थैंक यू, राम राम, गुड इवनिंग, गणपति बाबा मोरिया जी, बिल्कुल राम राम जी, राम राम। ओके, तब तक क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल भाई, ठीक बात है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, पेपर कब होगा पुलिस का? भाई सुनने में तो आ रहा है कि जल्दी ही होगा। ठीक है, सुनने में तो यही आ रहा है कि जल्दी ही होगा। सत श्री अकाल जी, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। ठीक है, तो सुनने में आ रहा है कि जल्द ही एग्ज़ाम होगा, और अभी जैसे आपने नोटिस भी देखने को मिला होगा जिसमें ये सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ में आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं है कौन सा है, पर एग्ज़ाम्स ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए, और टाइम मैनेज करना ना भूले, टाइम को अच्छे से मैनेज करिएगा। टाइम मैनेज का मीनिंग ये है कि आप किसी एक सब्जेक्ट के पीछे मत पड़िएगा। आपको देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और कंपटीशन बहुत है, तो उसके लिए देखो इस कंपटीशन में कामयाब वही होगा जो अच्छे से टाइम को मैनेज करेगा। और टाइम मैनेज करने का मीनिंग ये है कि आप किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हैं। दूसरी बात, अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये सब्जेक्ट इजी है, ये सब्जेक्ट टफ है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, या ये जो सब्जेक्ट है इतने मार्क्स का आएगा, इतने का नहीं आएगा, तो ये सब जो कैलकुलेशन अगर आप करके पढ़ने बैठोगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगेगा कि नहीं हिंदी मुझे आसान लगती है तो ये तो मैं कर लूंगा, पर मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, वो छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरिट इतनी ऊपर जाती है, तो आपके लिए एक एक जो मार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो टाइम को अच्छे से मैनेज करिए, तैयारी करते रहिए, और हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, वेटेज के हिसाब से आप वो देख सकते हो, लेकिन टाइम सभी सब्जेक्ट को दीजिए। सभी के प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो आप सोल्व कीजिए, वो आप देखिए, उनको पढ़िए, उनके सॉल्यूशन पढ़िए कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या इससे उनकी क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, वो भी आप पढ़िए। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो डाले हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो अजय सर कहाँ गए? अजय सर भी आएंगे बिल्कुल, वो आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास जो है वो तैयार कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए रेडी कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। ठीक है, यानी बहुत ही स्टीक कंटेंट आपके लिए वो लेके आएंगे जिससे आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कम पढ़ना पड़ेगा लेकिन काम का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अच्छा तैयार कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एवरी सब्जेक्ट आर डिफिकल्ट, नहीं ऐसा नहीं है, आप इजी सोचोगे तो इजी होंगे और डिफिकल्ट सोचोगे तो डिफिकल्ट ही रहेंगे। तो आप सबको इजी सोचिए और तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो आज की जो क्लास है इसके बारे में बता देता हूँ, कंप्यूटर की ही क्लास है लेकिन आज जो है स्पेशल फुल फॉर्म की क्लास है, यानी कि हम कुछ फुल फॉर्म भी डिस्कस करेंगे, आपको फुल फॉर्म कराई जाएंगी, साथ के साथ उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर के एग्जाम में खास बात ये होती है कि जो कंप्यूटर का पार्ट है सब्जेक्ट का, उसमें खास बात ये है कि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो कुछ ईजी भी आते हैं, और ईजी में फुल फॉर्म वगैरह ही ज़्यादा आपसे पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ फुल फॉर्म, देखिए ADC, आपसे पूछा जाए ADC क्या होता है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, यानी जो एनालॉग से किस में चेंज करेगा, डिजिटल में। एनालॉग से किस में चेंज करेगा, डिजिटल में। अभी एनालॉग और डिजिटल है क्या, एनालॉग तो हमारे क्या है, इसके लिए आपको और भी वर्ड मिल सकते हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूस, आपको वर्ड मिल सकता है कॉन्टिन्यूस, या फिर फिजिकल वैल्यूज। ठीक है, फिजिकल वैल्यूज, ये आपको जो है वर्ड मिल सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एनालॉग यानी बहुत सारी वैल्यूज जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, बहुत सारी, उनमें कोई खास विशेष लिमिटेशन नहीं होती, बहुत सारे नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है,
जैसे एनालॉग की बात करें, हार्ट की हम जैसे रेट बोलते हैं कि भाई इतना हार्ट रेट है, ठीक है, या बीपी हम बोलते हैं इतना ब्लड प्रेशर है, या गाड़ी की स्पीड हम देखते हैं भाई इतनी जो है किलोमीटर पर हावर है, तो उनमें कोई लिमिटेशन नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है, वो 10, 11, 12, 20 कुछ भी हो सकती है। लेकिन डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में लिमिटेशन है, या तो वहाँ पर 0 होगा यूज़ या फिर 1 होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो ये जो एडीसी है ये क्या करता है, जो ये हमारे फिजिकल वैल्यूज हैं उनको किस में बदल देता है, डिजिटल वैल्यूज में। और डिजिटल वैल्यूज का दूसरा नाम डिस्क्रीट वैल्यूज भी बोल देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है डिस्क्रीट, ठीक है, ये डिस्क्रीट वर्ड आप ध्यान रखिएगा, इसी को बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एडीसी का काम है। एएल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपसे पूछा जा सकता है एएल नहीं है, ये क्या है, एआई। आपसे पूछा जा सकता है एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल जनरेशन जो है भाई किस जनरेशन से इसका संबंध है, तो इसका किस कौन सी जनरेशन से संबंध है, पांचवी जनरेशन से, पांचवी पीढ़ी से। और इसके लिए आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स का संबंध कौन सी जनरेशन से है, तो वो भी किससे है, फिफ्थ से। इसके अलावा आपसे पूछा जाए डाटा साइंस इसका उपयोग कहाँ है या कौन सी जनरेशन में है, तो अभी इसका भी उपयोग है वो कौन सी जनरेशन में है, फिफ्थ जनरेशन में। तो ये कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखनी है पांचवी जनरेशन की। क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात करें, ठीक है, और या फिर डाटा साइंस की बात करें, ये सारे किसकी बात हो रही है, पांचवी जनरेशन की। और यहाँ पे साथ के साथ आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि डाटा साइंस में है ना आज के टाइम पाइथन लैंग्वेज को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे अगर ऐसा कोई कहता है कि डाटा साइंस में सिर्फ पाइथन लैंग्वेज का ही उपयोग होता है, तो वो बात गलत है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारी यूज होती हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारी यूज होती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, किसी की बस फैसिलिटी है वो कम ज़्यादा हो सकती है, कुछ जैसे लाइब्रेरी वगैरह होते हैं प्रोग्रामिंग में, मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, किसी में कम होते हैं किसी में ज्यादा होते हैं। लेकिन पाइथन की खास बात यह है कि इसमें मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस जो है वो प्री डिफाइंड है, लाइब्रेरी डिफाइंड है, इसीलिए पाइथन को थोड़ा सा जो है महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा पाइथन का। और किस में उपयोग हो रही है, डेटा साइंस में। अब डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस क्या है, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो बहुत सारा जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर रिसर्च करना और रिसर्च करके कुछ फाइंड आउट करना, ये निकाल के लेके आना। हाँ जी मिस्टर हिमांक, 1991 पाइथन 1991 में आई थी, बिल्कुल, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ कि डाटा साइंस क्या है कि बहुत सारे डाटा में से काम का डाटा आप निकालो और जिस जो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर पाए। अगर कोई कंपनी है, बिजनेस है, तो उनकी हेल्प होगी सेल करने के लिए, कुछ बेचना है उसके लिए, ठीक है, तो उसमें वो रिसर्च क्या होगी, बहुत सारा डेटा वो एनालाइज करेंगे और उसमें ये चेक करेंगे कि भी किस प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वही मार्केट में वो निकालेंगे बेचने के लिए। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो और हॉस्पिटल वगैरह की बात करें, रिसर्च वगैरह की बात करें, जैसे अभी देखो आपने देखा ही है कि कोविड का दौर चल रहा है, तो इसमें कोरोना की जो वैक्सीन दी गई है उनका भी एक डेटा बनाया गया है, डेटा सेट, और उसके ऊपर रिसर्च की गई है कि भाई कितनी फायदेमंद है, कितनी नुकसानदायक है, किस किस को क्या क्या असर हुआ था, ताकि वो आगे जो प्रोडक्शन होगा वैक्सीन का, तो उसमें उसको हेल्प मिले। तो ये डाटा साइंस की एप्लीकेशन है, तो बहुत जगह पे ये यूज होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डेटा साइंस। इसके बाद एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद है आपका एएलयू। एएलयू क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। काम क्या है इसका, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। देखो इसमें दो यूनिट आ गई आपकी, ए यूनिट और एल यूनिट। अगर दोनों की बात करें तो ये किस में होती है, सीपीयू में। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, सीयू और एएलयू, और फिर एएलयू को भी आगे डिवाइड कर सकते हैं हम ए यूनिट और एल यूनिट में। इनके काम आपसे पूछे जाएं तो अर्थमेटिक के जो काम है वो क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये है हमारी अर्थमेटिक के काम, ठीक है। और लॉजिक के काम क्या है, जो भी हमारे तार्किक कार्य हैं या कंपैरिजन है, नेगेशन है, इन्वर्जन है, ये सारे काम किसके हैं, लॉजिक यूनिट के। जैसे पेपर में आपसे हो सकता है ये वर्ड्स आपको दिए मिले, एंड और नॉट, ये जो फंक्शन है या ये जो काम है ये कौन करता है, लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो एएलयू सीपीयू का पार्ट है, सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन। आगे देखिए क्या है, अस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज,
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फटाफट लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास जो है फुल फॉर्म से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फुल फॉर्म ही डिस्कस करेंगे, हम उससे जुड़ी हुई और भी बातें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। तो ठीक है, आगे अभी इस अस्काई का यूज कहाँ होता है, पहली बात तो ये, ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है। देखिए, अब कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो किस में स्टोर होता है, जीरो या वन की फॉर्म में। अब हमें मान लो कि सिर्फ नंबर से स्टोर करने हैं, 5, 7, 8 ऐसे, इनको तो हम किस में बदल लेते हैं, बाइनरी में ऐसे। तो अब जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे ABCD या फिर डॉलर, जो सिंबल्स है हैश, इनका क्या करें, क्योंकि कंप्यूटर तो किसको समझता है, सिर्फ जीरो और वन को ही समझता है। तो इसीलिए इन कैरेक्टर्स को या सिंबल्स को कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि 65, 66, 67। भाई मेमोरी के अंदर 65 बाइनरी के रूप में स्टोर होगा तो वो क्या माना जाएगा, आपका ए, इसी तरीके से, ठीक है। यानी कोडिंग सिस्टम हो गया ये, यानी कुछ नंबर्स असाइन कर दिए इन सिंबल्स को और वो नंबर्स स्टोर कर लिए जाते हैं, और जब हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होता है तो वो क्या करते हैं, फिर कन्वर्जन हो जाता है, पहले बाइनरी से वो डेसिमल नंबर बन जाता है और फिर उस डेसिमल नंबर का जो सिंबल होता है वो हमें डिस्प्ले हो जाता है, हमें दिख जाता है। तो यहाँ पे इसका यूज है। अच्छा, अस्काई से रिलेटेड कुछ बातें और भी आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के वे में, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, इसके दो साइज हैं, एक होता है 7 बिट और एक होता है ESKI, एक्सटेंडेड अस्काई, इसके होते हैं 8 बिट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अस्काई से कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो कितने किए जा सकते हैं, 2 की पावर 7 यानी 128, और रेंज क्या होगी, 0 to 127, क्योंकि 0 भी एक है तो आप 128 तक मत ले लेना, 0 से 128, क्योंकि वो टोटल जो है 129 हो जाएंगे। तो 7 बिट से कितने बना सकते हैं, 128। लेकिन ये होता 8 बिट का ही है, इसमें 1 बिट जो होती है वो रिजर्वड होती है, क्या होती है, रिजर्व, भविष्य के लिए रिजर्व कर दी गई थी, तो पहले ये यूज होता था। अब होता है एक्सटेंडेड अस्काई, जिसमें कितनी बिट होती हैं, 8, यानी कि हमने जो ये एक बची हुई थी इसको भी यूज कर लिया, तो अब कितने निर्मित कर सकते हैं हम, तो 2 की पावर 8 यानी कि 256, और रेंज क्या हो सकती है, 0 से 255, ठीक है, क्या हो सकती है, 0 से 255, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अस्काई के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 8 बिट इनका साइज होता है, तो ये आप ध्यान रखिए दोनों का ही, इसमें 1 बिट रिजर्व होती है, इसमें नहीं होती, सारी यूज कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट, ATM, ATM क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पेपर में पूछा जाएगा कि बिना बैंक के लेन देन करना या बिना एम्प्लॉयज के लेन देन करना खुद से ही स्वचालित मशीनें, ठीक है, तो ये क्या है आपकी ATM। साथ के साथ आपको एक फुल फॉर्म और ध्यान रखनी है इसकी, वो होती है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ये भी कंप्यूटर के केस में ही होती है फुल फॉर्म, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इसमें जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सिंक्रोनस का मीनिंग ये है कि फीडबैक साथ के साथ होना चाहिए, या कोई चीज, कोई काम है, कोई आप चीजें कर रहे हो, वो क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए प्रॉपर। पर एसिंक्रोनस में क्या होता है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा काम चलता रहे, ठीक है, और फीडबैक भी जरूरी नहीं होता, यानी कि काम पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको सिर्फ मीनिंग समझाने के लिए कहा है, वरना इसके जो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो अलग अलग होती है, नेटवर्क में अलग होती है और बाकी चीजों में अलग होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ATM की दो फॉर्म। बार क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी परमाणु से जो रिलेटेड रिसर्च वगैरह है फिजिक्स में, अगर आपको फिजिक्स में रिसर्च करनी है तो आपको इस इंस्टीट्यूट में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे एक से एक टॉप वैज्ञानिक यहीं से बनते हैं और यहाँ पे काम भी करते हैं, तो बहुत सारे जूनियर रिसर्च फेलो भी यहीं पे काम करते हैं, तो रिसर्च का काम बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में यहाँ पे होता है, एक से एक ब्रेन यहाँ पे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बार्क, ठीक है।
उसके बाद बेसिक, बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंपलिंग। इसके लिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें से बिल्कुल सिंपल सिंटैक्स किसका है, ठीक है। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है, बेसिक, बहुत ही सिंपल इसका जो है स्ट्रक्चर है। बायोस, बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कहाँ पे यूज होता है, इसके साथ आप एक और भी याद रखिएगा, पोस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कब ही होता है ये बायोस, बायोस की सेटिंग होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये इससे रिलेटेड होती है कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा तो कैसे वो काम करेगा, वो सारा सेटअप उसके अंदर होता है। अब ये बायोस है, जो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है तो ये रन होते हैं, जो हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जिनकी हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने में भी उसकी हेल्प चाहिए होती है, तो वो चीज़ है, तो वहां पे भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम होता है कब रन होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। साथ ही एक और प्रोग्राम भी रन होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर में पावर ऑन होगा वो अपनी एक टेस्टिंग करेगा जिसमें ये चेक करेगा कि जितना भी हार्डवेयर है वो प्रॉपर है कि नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं है, ठीक है। BSNL क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये हमें इंटरनेट भी प्रोवाइड करती है, ये एक सरकारी कंपनी जो हमें इंटरनेट भी प्रोवाइड करती है और ब्रॉडबैंड भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ब्रॉडबैंड सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये टेलीफोनिक कंपनी भी है, ठीक है। ब्रॉडबैंड ये हो सकता है आपको DSL के थ्रू दे दिया जाए, डायरेक्ट दे दिया जाए, या वाईमैक्स के थ्रू दे दिया जाए, या फिर इंटरनेट आपको मोबाइल के थ्रू भी दिया जा सकता है, तो ये दोनों काम करती है कंपनी। साथ के साथ ये किसका काम करती है, टेलीफोनिक, यानी हम जो टेलीफोन पे बातें करते हैं वो काम भी किसका है, BSNL का, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा BSNL के बारे में, भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, कैड क्या है, कंप्यूटर एडिड डिजाइनिंग, यानी कंप्यूटर की सहायता से कोई भी डिजाइनिंग का काम करना। अधिकतर इसका जो उपयोग करते हैं वो कौन करते हैं, आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट वगैरह इनका अधिकतर उपयोग करते हैं, या फिर जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बड़ी बड़ी गाड़ियों की, या जो ऑटोमोबाइल कंपनियां वगैरह होती हैं, तो वो भी जो है कंपनियों का जो मशीनें वहां पे उपयोग होंगी, चाहे वो गाड़ी हो या कुछ भी हो, बनानी है तो पहले उसका डिजाइन कंप्यूटर पे ही रेडी करते हैं, तो उसी से वो फिर आगे काम करते हैं। कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग, इसका उपयोग कहाँ होगा, जब कंप्यूटर की सहायता से हम कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करें, ठीक है, यानी कोई रॉ मटेरियल है उससे हम कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, तो वहां पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। पहले मैन पावर अधिक उपयोग होती थी, आजकल कुछ काम जो है वो ऑटोमेटेड हो गए हैं और वो कंप्यूटर से ही करते हैं वहां पे काम, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, 700 MB, कितनी होती है, 700 MB। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे आपसे पूछ लिया जाए CDR, तो R क्या है, रिकॉर्डेबल, R क्या है, रिकॉर्डेबल, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, R का भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा RW क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, यानी री राइटेबल, जिसको रीड और राइट दोनों किया जा सके। इसके अलावा CD-ROM क्या है, CD-ROM क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और ये एक उपकरण होता है, डिवाइस होती है, जिसके अंदर जो है ये CD और DVD इंसर्ट करी जाती हैं और उनसे डाटा रीड किया जाता है, ठीक है। ये बंद हो गया सिस्टम, चलो मैं देख, ठीक है, हाँ जी, आगे नेक्स्ट, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्यापारिक लैंग्वेज है, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो व्यवसाय से रिलेटेड है, ठीक है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग, ठीक है। CRT, कैथोड रे ट्यूब, ये किनको बोलते हैं, मॉनिटर को, और ये मॉनिटर क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस, क्या है, आउटपुट डिवाइस, और ये दो टाइप के होते हैं, एम और सी। एम होता है मोनोक्रोमेटिक, एम होता है मोनोक्रोमेटिक, और सी होता है कलर, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। पहले आपके मोनोक्रोमेटिक आए थे, यानी कि हम बोल सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद हमारे जो है वो कलर आए थे, ठीक है।
उसके बाद CU कंट्रोल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, इसके बारे में आपसे पूछा जाए भाई इसका काम क्या है, तो कंट्रोल यूनिट का जो काम है किसका है, एक तो कंट्रोलिंग का, हिंदी में आपको मिलेगा संचालन का, ठीक है, दूसरा समन्वय कोऑर्डिनेशन, ये शब्द जो है आपको ध्यान रखने हैं, ये इसके लिए उपयोग होते हैं। यानी कंट्रोल का काम किसका होता है, CU का। डी रैम, ये क्या है, डायनेमिक रैम। डी क्या है, डायनेमिक रैम। कैसी है ये, पहली बात तो वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, यानी वोलेटाइल कौन सी होती है, ऐसी मेमोरी जिनके जो कंटेंट है वो जैसे ही कंप्यूटर हमारा ऑफ होता है तो वो कंटेंट जो निकल जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारी वोलेटाइल, तो डी रैम जो है वो वोलेटाइल है। दूसरा इसके बारे में आपको और ध्यान रखना है, ये किस चीज की बनी होती है, ये ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये किसकी बनी होती है, ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की, ठीक है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स की। इसको बार बार क्या है, पीरियोडिकली इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, तो ये वर्ड भी एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रखना है, पीरियोडिकली इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर का उपयोग हुआ है और कैपेसिटर जो है इसमें क्या होता है, करंट लूज होता रहता है थोड़े थोड़े टाइम बाद, तो उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, यानी उसको रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए डाटा कैसे स्टोर होगा, तो वोल्टेज या करंट की फॉर्म में, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 0 वोल्ट मीन्स वहां पे 0 स्टोर है और 5 वोल्ट मीन्स वहां पे 1 स्टोर है, तो ये आपको डी रैम के बारे में जो है ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेक, डेक क्या है, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करना, क्या है, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करना, यानी आपका जो बाइनरी नंबर है उससे वापस किस में कर देंगे, फिजिकल वैल्यूज में। अब आपने एक चीज देखी होगी, आपने पढ़ा एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है, ADC, और ये क्या है, DAC डेक, इन दोनों को मिला के बनता क्या आपका मोडेम, भी तो हम बोलते हैं ना मोडेम, मोडेम का काम क्या है, मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन, यानी वही एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, तो आप इसका संबंध उससे रिलेट कर सकते हो, आपको याद रह जाएगा। DBMS, DBMS क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, और जो किसको मैनेज करता है, डाटाबेस को, किसको मैनेज करता है, डाटाबेस को। अब यहां पे आपको कुछ बातें जो है ध्यान रखनी है, डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ ठीक है, वॉइस नहीं आ रही, हो गई ठीक वॉइस, देखिए अब आ रही होगी प्रॉपर। तो देखिए डाटाबेस की बात कर रहे थे हम, क्या होता है डाटाबेस, कलेक्शन होता है बहुत सारी टेबल का, और टेबल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ बहुत सारे रिकॉर्ड का, और रिकॉर्ड क्या होते हैं रिकॉर्ड क्या होते हैं, जितनी भी आपकी रोज हैं, और उनमें पता क्या, पता कैसे चलेगा कि क्या क्या डाटा उनके अंदर, तो उनके एट्रीब्यूट्स यानी उनके कॉलम्स बताते हैं कि उनके अंदर क्या क्या डाटा होगा, और कैसा डाटा होगा उसे बोलते हैं डोमेन,
ठीक है, कैसा डाटा होगा उसे बोलते हैं डोमेन, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर उसमें लगा दे तो उसको बोलते हैं डोमेन रेंज। भाई इसमें मिनिमम इतना डाटा आएगा, मैक्सिमम इतना डाटा आएगा, ठीक है। तो वो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, यूजर इसके कौन से होते हैं? एक होता है डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जिसका काम क्या है, जिसकी ड्यूटी है डाटाबेस को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, उसका बैकअप लेके रखना, यानी वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। और दूसरा, उसको यूज और कौन कौन उसको यूज कर सकता है, वो भी वही डिसाइड करता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी भी यही देखेगा। उसके बाद होते हैं प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन होते हैं? जो ऐप वगैरह डेवलप करते हैं, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिखते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड बच की भाई ये मतलब नहीं, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव क्लास है, ठीक है। तो ये डीबीएमएस का काम है। तो बहुत सारी बातें हैं, इससे आगे कभी डिस्कस करेंगे जब इस टॉपिक को करेंगे। आगे है डीसीएल, ये क्या है? डिजिटल कमांड लैंग्वेज, ठीक है। नहीं, आप डाटाबेस में इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी क्या बताता है, आपसे पूछा जाए, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसका एक रफ ड्राइंग सी बनाई जाती है, जिससे पता चलता है कि भी इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होनी है। बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो क्या क्या मॉड्यूल होंगे, उनमें डाटा जो है वो आपस में कैसे ट्रांसफर होगा, तो उसका एक फ्लो बना के रखते हैं, उसे बोलते हैं डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, या फिर डोमेन नेम सर्वर। ये क्या होता है? देखिए, जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जो भी हम जैसे google.com अगर हम यूज़ करते हैं, या ssc.government.in ये यूज़ करते हैं, तो ये क्या होते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, असल में जो इनके ऊपर नाम है, जैसे google.com, yahoo.com, ये डोमेन नेम कहलाते हैं, ये डोमेन नेम कहलाते हैं। पर असल में तो जो वेबसाइट ओपन होती है वो किससे होती है? आईपी एड्रेस से। यानी हर वेबसाइट का क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है, और वो आईपी एड्रेस जब हम ब्राउजर में डालते हैं तो वो साइट जो है ओपन हो जाती है। तो बेसिक जो है उसका वो क्या है कि आईपी एड्रेस ही डालना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी साइटें हैं, बहुत सारे ऐसे तो आईपी एड्रेस हो जाएंगे तो हमें वो याद नहीं रहते, इसलिए उन आईपी एड्रेस के ऊपर क्या लगा दिया, एक लेबल लगा दिया। लेबल से ये लगता है कि वो हमें इजी रह जाता है नाम याद रखना, ठीक है। पर अब इस चीज़ को कोई तो मैनेज करेगा बीच में, जैसे अब हमने तो ठीक है google.com याद कर लिया, वो टाइप कर दिया, बट उसका आईपी एड्रेस क्या है, ये कोई तो याद रखेगा बीच में। तो ये डीएनएस का काम है, डोमेन नेम सर्वर का। एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो ऐसा कुछ लिखा मिल सकता है आपको कि डोमेन नेम की आईपी एड्रेस में मैपिंग, या आईपी एड्रेस की डोमेन में मैपिंग, ये काम कौन करता है? तो ये डोमेन नेम सर्वर करता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, डीपीआई, डॉट्स पर इंच। डीपीआई क्या होती है? डॉट पर इंच, पूछा जा सकता है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो वो किस में करते हैं? डीपीआई फॉर्मेट में करते हैं, डॉट्स पर इंच, ठीक है। जैसे 75 डीपीआई पे, या फिर 100 डीपीआई पे, 300, 600 ऐसे। तो ये इसका जो साइज होता है पेज का, उस पर क्लियरिटी कितनी आएगी वो डिपेंड करता है कि कितनी डॉट्स जो है वो पर इंच होंगी, ठीक है। डीआरडीओ क्या है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कंप्यूटर में क्यों नाम आया है इसका? क्योंकि कंप्यूटराइज जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो भी इनमें, इनको उस पर काम करना पड़ता है, क्योंकि मिसाइल्स वगैरह हैं या और भी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी पूरा डिपार्टमेंट है टेक्निकल, तो कंप्यूटर की वहाँ भी बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए हमें ये पढ़ना चाहिए कि भी ये भी होता है। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। ये इसकी दो फुल फॉर्म होती हैं, आपको ध्यान रखनी है। कैपेसिटी की बात करें तो नॉर्मल एक डीवीडी की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है? 4.7 GB। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए ब्लू रे डिस्क क्या होती है जी? ब्लू रे डिस्क जो होती है वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी की डिस्क होती है, उनकी लगभग कैपेसिटी 30 GB के आसपास होती है, 30 से 40 GB, ठीक है, रफली एस्टिमेट है भाई। नॉर्मल जो डीवीडी उससे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी होती है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कोई पत्र हम ऑनलाइन भेजते हैं, ईमेल। फादर ऑफ ईमेल कौन है? रे टॉमलिंसन। कब इसका निर्माण हुआ? 1971 में। कहाँ पे हुआ? अर्पानेट में हुआ। पहली फ्री ईमेल सर्विस कौन सी थी? हॉटमेल। किसने बनाई थी? सबीर भाटिया ने। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ईमेल के बारे में। नेक्स्ट,
ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ऑनलाइन कोई भी हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो अगर हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उसको बोल देते हैं ई लर्निंग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ई लगा देते हैं आगे। इप्रोम, ये क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपके रोम के टाइप हैं, जैसे रोम की एक टाइप है पी रोम, ठीक है, दूसरी होती है इप्रोम, और एक टाइप होती है डबल इप्रोम, ठीक है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो इप्रोम है उसको इरेज किससे किया जाता है? अल्ट्रा वायलेट रेज से, ठीक है, किससे? अल्ट्रा वायलेट रेज से। और डबल इप्रोम को किससे इरेज किया जाता है? इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा इप्रोम के बारे में। ई बी सी डी आई सी, ये क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, साइज पूछे 8 बिट, किस लिए यूज होता है? नंबर्स व करेक्टर्स जो है हमारे या सिंबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमारा अस्काई था वैसे ही होता है ई बी सी डी आई सी, ठीक है। ई डी पी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ई डी पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी एक ऐसा रूम या एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे कंप्यूटरों का इस्तेमाल होता है और डाटा जो है वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जैसे कि एडिटिंग वगैरह ये चलती रहती है, डॉक्यूमेंट राइट वगैरह करते हैं, तो उसको बोल देते हैं ई डी पी, ठीक है। नेक्स्ट, एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, ये फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, और इससे जुड़ा हुआ एक नाम भी याद रखिएगा, जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। ये कौन थे? इसके लिए आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के जो विकास है उसमें अधिक योगदान किसका है? जॉन वॉन न्यूमन का, और उन्हीं के मॉडल को उपयोग किया था इस कंप्यूटर ने, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डबल इप्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यह एक फ्लैश मेमोरी का भी टाइप है, तो यानी फ्लैश मेमोरी का संबंध इससे भी है, तो ये आप जोड़ के इसको इससे कनेक्ट रखिएगा। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है, कैटेगरी है, ऐसी मेमोरी जो डाटा स्टोर करके रखती है, ठीक है, डाटा स्टोर करके रखती है, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि जिनमें डाटा जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बाद ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ठीक है, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यहाँ पे कर लीजिएगा इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये क्या है? दुनिया का पहला कंप्यूटर है जो कि 1946 में आया था, 1946 में आया था पहला कंप्यूटर दुनिया का, किसने बनाया था? जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने, इन्हीं ने ही आगे यूनिवैक बनाया था जो कि कमर्शियल वर्जन था ENIAC का। भारत का कंप्यूटर कहा जाए पहला तो TIFRAC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये 1956 में बन के रेडी हो गया था। इसके अलावा एक और है सिद्धार्थ, इसको भी भारत का पहला बोल रहे हैं कहीं कहीं, तो ये आया था 1986 में, इसको बनाया था ECI ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पहला इम्पोर्टेड बोला जाए तो HEC 2, होलीरथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वर्जन 2, और ये लगभग 1952 से 1953 के आसपास इम्पोर्ट किया गया था ISI कोलकाता में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, वहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है, तो वो चीज़ है, तो वहाँ पे इसका उपयोग हुआ था। तो भारत वाले भी आपको याद रखने हैं और ये दुनिया वाला भी, ठीक है। फोरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FTP क्या होता है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, PL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। FTP एक प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर इत्यादि पे फाइलें अपलोड करने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। GUI कहाँ है? जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनमें होती है, जैसे कि विंडोज GUI बेस्ड है, MS-DOS जो है वो CLI बेस्ड है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस, यूनिक्स है, लिनक्स है, कमांड बेस होते हैं ज़्यादातर, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं? CLI, वो भी आप ध्यान रखिएगा। HTML का उपयोग किस लिए होता है? ये लैंग्वेज किसने बनाई थी? फादर ऑफ HTML किसे बोलते हैं? टिम बर्नर्ली को। और HTML से क्या लिखे जाते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब के डॉक्यूमेंट्स जो है इस भाषा में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम इंटरनेट पे जितनी भी हम ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें मेन जो रोल है वो किसका है? वो है HTML का, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, और ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, हरमन होलीरथ ने पहले टेबलेटिंग मशीन बनाई थी और उससे क्या है US की जनगणना की गई थी, वही कंपनी आगे चल के IBM बनी थी, ठीक है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये नहीं है, ये आप याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क, यानी कि जो आपकी टेलीफोन कंपनियां हैं वो आपको टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट की सर्विस दें तो उसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, वही है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल देते हैं इसको, अगर आपसे बोला जाए CS या CSE कंप्यूटर साइंस, CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ऐसे ही IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। KBPS किलोबाइट्स पर सेकेंड, तो आपको मेमोरी की सारी फुल फॉर्म याद रखनी है, KB किलोबाइट्स पर सेकेंड, GB गीगाबाइट्स, MB मेगाबाइट्स, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, TB टेराबाइट्स, EB एग्जाबाइट्स, PB पेटाबाइट, ये सब आपको ध्यान रखनी है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटा नेटवर्क जो कितनी दूरी में बनाया जाता है, लगभग 300 मीटर की दूरी में जो बनाया जाता है लैन, और इसी से जुड़े हुए आपको नाम ध्यान रखने हैं। सबसे छोटा पर्सनल एरिया नेटवर्क कितनी दूरी पे होता है, लगभग 10 मीटर की दूरी पे, किसकी सहायता से बनाते हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से, और दूसरा इंफ्रारेड से। लैन किस टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, दो तरीके से, वायरलेस और वायरलेस। वायर्ड की बात करें तो ईथरनेट लैन सबसे मेन है, वायरलेस की बात करें तो वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, वो चीज है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी क्या है आपकी VDU, वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट का पार्ट है, और वीडियो क्या होती है आपकी आउटपुट डिवाइस, ठीक है, तो ये LCD क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो किसकी बनी है, क्रिस्टल उसमें डला हुआ होता है, उस क्रिस्टल से लाइटिंग हमें दिखती है, ठीक है, डिस्प्ले दिखती है। नेक्स्ट LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कौन सी जनरेशन में ये उपयोग होता है, LSI और VLSI, ये होता है किसमें, फोर्थ में, और फिफ्थ जनरेशन में कौन सा होता है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। थर्ड में कौन सा उपयोग होती है, IC इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है, और पहली सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स, पहली में क्या थी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC, चौथी में LSI और VLSI, पांचवी में ULSI, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये चीज यूज होती थी। मेन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क जो किसी एक शहर के अंदर बनाया गया हो, MB मेगा बाइट, साथ के साथ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि M अगर स्मॉल बी होगा तो उसे बोलेंगे मेगा बिट, उसे बोलेंगे मेगा बिट, ठीक है। आगे नेक्स्ट MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कहाँ पे उपयोग होता है इसका, जो हमारे बैंक चेक होते हैं उनके ऊपर जो चेक नंबर लिखा होता है उस पे इसका उपयोग होता है, इस उस जो चेक नंबर है उसको रीड करने के लिए इस डिवाइस का, इनपुट डिवाइस है ये, ठीक है। मोडेम मॉड्यूलेटर व डिमोलेटर, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। MS Access क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, और ये क्या है, एक आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और ये कैसा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, CLI बेस्ड कमांड लाइन इंटरफेस। इससे जुड़ी हुई आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपसे सिर्फ DOS पूछा जाए तो उसकी दो फुल फॉर्म बनती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको ऑप्शन देख के समझना होगा कि वो वहाँ पे एग्जामिनर जो है वो क्या आंसर आपसे चाह रहा है, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे DOS क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और MS-DOS क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। MS-Excel माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, क्या है, एक स्प्रेडशीट, और सीट मिलके क्या बनाती है, वर्कबुक, इसमें तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्कबुक। एक्सटेंशन क्या होती है, .xlsx, लेटेस्ट जो है उनकी .xlsx, ये आपको ध्यान रखना है। MS विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यानी ये क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, और ये कैसा है, GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड, और ये इसका गोल क्या है, यह इजी टू यूज है, इस्तेमाल करने में आसान है पर विश्वसनीय नहीं है ज्यादा, ठीक है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, सब संसाधन का सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे नेक्स्ट MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड,
NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर कंप्यूटर में आपको नेटवर्क का इस्तेमाल करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, NIC कार्ड की। साथ ही आपको एक और फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, NIC होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। जो आप कभी ई दिशा में गए होंगे तो उसको मैनेज कौन करता है, NIC, ठीक है। सॉफ्टवेयर का निर्माण अधिकतर ये करता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए एक पेन जैसी डिवाइस होती है। OMR मार्क को रीड करने के लिए, मार्किंग को, OMR शीट, जो हम HSSC के जो एग्जाम दे रहे हैं या काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हम दे रहे हैं वहां पे हमें OMR शीट मिलती है डिटेल्स भरने के लिए, जिसमें हम घोड़े भरते हैं वही, ठीक है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेन सॉफ्टवेयर। ये क्या है आपका, मेन सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच, यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या है, एक इंटरफेस है। क्या है, एक इंटरफेस है। यानी यूजर हमेशा किसको बोलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और वो किससे काम लेके देता है हमें, हार्डवेयर से। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही मेन आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आगे PC पर्सनल कंप्यूटर बोल देते हैं, ठीक है। PDL प्रोग्रामिंग डिजाइन लैंग्वेज, प्रोग्राम्स जो लिखते हैं कंप्यूटर के बड़े बड़े, तो उनको थोड़ा डिजाइन की फॉर्म में दिखा देते हैं कि कैसे जो हमारा प्रोग्राम रहेगा उसका क्या फ्लो रहेगा, कैसे वो काम करेगा। PL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो ये हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं उन मशीनों को बोलते हैं POS मशीन, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा UPI हम यूज करते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है UPI क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और जो मेन ऐप है जो भारत सरकार की है वो कौन सी है, भीम ऐप। वो कौन से है, भीम ऐप। इसके अलावा और कौन सी ऐप है, गूगल पे, फोन पे, तो ये जितनी भी आपकी UPI वाली जो ऐप है वो सारी इसको सपोर्ट करती हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर वाली, ठीक है। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी रोम मेमोरी जिसको एक बार उसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है बाद में उसको सिर्फ यूज करते हैं। PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, PSTN क्या है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जो हम टेलीफोन की सुविधा लेते हैं ना, लैंडलाइन वाली, वो वाली, ठीक है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल। दूसरा किस में आती है, प्राइमरी मेमोरी में, यानी जिसकी कंप्यूटर को आवश्यकता है। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी कैसी है, नॉन वोलेटाइल। यानी रैम और रोम दो ऐसी मेमोरी है जिनकी आवश्यकता होती है, इनके बिना हमारा जो सिस्टम है वो काम नहीं करता। दोनों में अंतर क्या रहेगा, यहां से कंप्यूटर को पता चलता है CPU को क्या करना है। रैम में काम करता है वो, प्रोसेसिंग किस में करता है वो, यानी जितने भी हमारे प्रोग्राम चलते हैं वो किस में चलते हैं, रैम के अंदर चलते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो अल्टीमेट कैलकुलेशन होती है वो कहाँ होती है, CPU के अंदर ही होती है। और CPU के अंदर भी दो मेमोरी होती है, रजिस्टर और कैशे, तो किस में होती है, रजिस्टर मेमोरी में, ठीक है। ये आप जो है बातें ध्यान रखिएगा। RPG क्या है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, यानी डाटा आपके पास है उससे रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, ग्राफ्स वगैरह बनाना, ताकि डाटा को एनालाइज किया जा सके। SRAM स्टैटिक रैम किसका पार्ट है, रैम का ही एक टाइप है। तो रैम के आपके दो टाइप हैं, SRAM और DRAM, यानी रैम के हमारे दो टाइप हैं, SRAM और DRAM। SRAM स्टैटिक रैम, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैशे मेमोरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये कैशे मेमोरी कहाँ है, CPU की मेमोरी है। कैशे मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है, ये आपसे पूछा जाए तो कंप्यूटर की जो है स्पीड है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए। या फिर एक वर्ड मिल सकता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है, वो आप ध्यान रखिएगा। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, ठीक है, ये एक पोर्ट है, पोर्ट का नाम है। पोर्ट क्या होते हैं, ऐसी जगह है कंप्यूटर पे जहाँ पे दूसरी डिवाइस जो है वो कंपोनेंट है, पेरिफेरल्स है, वो कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, कनेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बोला जाए एक्सपेंशन स्लॉट, वो क्या होते हैं, तो एक ऐसा पार्ट जहाँ पे चिप इंसर्ट की जाती है, जैसे कि ग्राफिक्स मेमोरी है, वो ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा दिया या NIC कार्ड लगा दिया, वो जगह, यानी बोर्ड पे कोई जगह है जहाँ पे चिप वगैरह इंसर्ट करते हैं एक्सटेंड करने के लिए कैपेसिटी को, होते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। लेकिन बाहर जो हमारे जो पोर्ट होते हैं, जगहें होती है जहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं डिवाइस से, उनको बोलते हैं पोर्ट, ठीक है। आगे TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी को क्या माना जाता है, इंटरनेट की शुरुआत माना जाता है। इसी को क्या माना जाता है, इंटरनेट की शुरुआत। और ये TCP/IP कब बना था, 1983 में, और किसने बनाया था, ये विंट सर्फ ने। विंट सर्फ ने,
इसीलिए विंड सर्फ को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है TCP/IP बनाने के कारण। TFT क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये भी क्या है हमारी VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। TFT डिस्प्ले होती है जिन पे हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, जो मॉनिटर का काम करती हैं, ठीक है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कौन सी जनरेशन में उपयोग होती है, फिफ्थ जनरेशन में होगी। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें कि कब है, तो कुछ तो अभी शुरुआत इसकी हो चुकी है, कुछ जो अभी भविष्य में आएगी वो क्या है, फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। आगे यूनिवैक, यूनिवैक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये ENIAC का क्या है, कमर्शियल वर्जन है, जो 1952 में आया था। और इसे किसने बनाया था, जॉन मोकली व जे प्रेस्पर एकर्ट ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिवैक भी। ENIAC के साथ साथ याद रखना है, ENIAC क्या है, दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर, और जो कब आया था, 1946 में। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कब आया था, तो 1976 में क्रे वन। इससे पहले भी सुपर कंप्यूटर आए थे, लेकिन वो जो है साबित नहीं कर पाए कि वो एक्चुअल में सुपर कंप्यूटर है। तो ये पहला सफल सुपर कंप्यूटर रहा था क्रे वन, जिसे किसने बनाया था, सेम्योर क्रे ने। और ये सेम्योर क्रे इससे पहले कहाँ पे काम करता था, CDC में। तो आपसे पूछा था CDC क्या है, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, पहले इसका हम बहुत ज्यादा यूज करते थे, आजकल हर घर में इन्वर्टर है, तो इसकी खास जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इसकी खास जरूरत नहीं पड़ती। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई किस लिए यूज होता था, कि जब पावर वगैरह कट लग जाए तो एक छोटे इन्वर्टर का काम करता था ये, भाई पावर सप्लाई जो है उसको इंटरप्ट नहीं होने देता। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो हम बोलते हैं कि जैसे www.google.com, इसे हम क्या बोल देते हैं पूरे को, URL। और URL क्या होता है, पाथ होता है, लोकेशन होते है, किसकी, किसी भी www डॉक्यूमेंट की, किसी भी www डॉक्यूमेंट की लोकेशन। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक ऐसा पोर्ट है जो अधिकतर देशों में उपयोग होता है, अधिकतर देशों में उपयोग होता है। और डिवाइस भी इसमें, खास बात यह है कि बहुत सारे कनेक्ट हो जाते हैं, आपका प्रिंटर भी इससे कनेक्ट हो जाता है, हार्ड डिस्क भी, CD ड्राइव भी, DVD ड्राइव भी, तो बहुत सारी चीजें इस पोर्ट से कनेक्ट हो जाती हैं, पेन ड्राइव भी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है USB पोर्ट, ठीक है। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी डिस्प्ले जिस पे आप विजुअली चीजें देख सकते हो, वो सारी जो है वो VDU में आते हैं आपके। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत सारे ट्रांजिस्टर कैपेसिटर का उपयोग करें तो उसको बोल देते हैं VLSI। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसी कंपनी को जो है ये श्रेय दिया गया है भारत में, किसको लेके आने का, इंटरनेट को लेके आने का। और इसी को बाद में टाटा कम्युनिकेशंस ने इसको एक्वायर कर लिया था, टाटा ग्रुप ने, तो इसको बोल दिया टाटा कम्युनिकेशन। तो गवर्नमेंट की भी इसमें हिस्सेदारी उस समय आ गई थी। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े एरिया में नेटवर्क, वैन, ठीक है। इंटरनेट क्या है, बड़े बहुत सारे नेटवर्क हम उनको मिला के बना नेटवर्क। तो इंटरनेट भी किस में आता है, वैन में ही आता है, यानी बहुत बड़ा नेटवर्क। WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, यानी माइक्रोवेव्स के थ्रू आपको सिग्नल्स ट्रांसफर करना। तो WiMAX क्या है, ब्रॉडबैंड सर्विस है, हमारे यहाँ BSNL हमें देता है WiMAX डिवाइस, जिससे वो माइक्रोवेव्स की सहायता से हम हमें ब्रॉडबैंड सर्विस देता है, ठीक है। WLL क्या है, वायरलेस लोकल लूप। WORM क्या है, राइट वंस रीड मैनी, यानी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता रहता है ये अपनी, ठीक है, ये एक ऐसा वायरस है जो अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता रहता है। ट्रोजन हॉर्स अगर आपसे पूछा जाए तो धोखाधड़ी करने वाला, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए पहला वायरस क्या है, क्रीपर, पहला वायरस क्या है, क्रीपर, 1971 में अर्पानेट में बनाया। पहला नुकसान करने वाला, मेलिशियस, नुकसानदेह करने वाला कौन सा है, सी ब्रेन। और ये कब आया था, 1986 में। किसने बनाया था, पाकिस्तान ने, फारूख ब्रदर्स ने। तो ये ध्यान रखिए। WWW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके फादर कौन है, टिम बर्नर्स ली जो है वो इसके पिता हैं। तो WWW हो, HTML हो, या फिर आपका पहला इंटरनेट ब्राउजर, इन सभी के पिता कौन है, टिम बर्नर ली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ फुल फॉर्म्स थी जो हमने डिस्कस करी, उसके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किए। KC ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उस पर हमारा कोर्स चल रहा है, वो आप ऑफर ले सकते हो। इसके अलावा KC पब्लिकेशन और कृष्णिया क्लासेस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको
कृष्णा क्लासेस टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हम आपको ये पीडीएफ